Hello, my dear friends. I am Kumashu Praveen and I welcome you all on this KS Educational Hub. Now, my dear friends, KS Educational Hub is also available on Facebook page. You can directly search with the name of KS Educational Hub and you can follow there also. So, my dear friends, today we are with the puzzle that is based on the blood relation with 9 persons in a family and are sitting in a row, means the linear arrangement. So, यू मस्ट सॉल्व दिस प्रॉब्लम विथ योर सेल्फ फर्स्ट. आप इस प्रॉब्लम को पहले खुद से ट्राई कीजिए और फिर हम सब चलेंगे कि कैसे इस पजल को बनाया जाए. आज का पजल काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. ये मैंने BSC मैगजीन से लिया हुआ है और बहुत अच्छा पजल है और डेफिनेटली आप सबको काफ़ी मजा आने वाला है ऐसे पजल्स को बनाकर. तो आप इस वीडियो को पॉज करके पहले खुद से बनाइए और फिर हम सब चलेंगे इसे कैसे डील करना चाहिए और क्या अप्रोच होना चाहिए. तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं ये आशा करता हूं कि आप सबने पहले इसे प्रैक्टिस किया होगा और बनाया भी होगा. और अब हम सब चलते हैं कैसे इस पजल के साथ डील किया जाए. आपका ब्लड रिलेशन का जो पजल है 9 पर्सन के साथ एक लीनियर अरेंजमेंट, तो चलिए देखते हैं और देखते हैं कि कैसे इस पजल के साथ और किस वे से, किस अप्रोच के साथ इसे सॉल्व करना चाहिए. जैसे आप सब ने देखा 9 persons PQRST UVWX ऑफ ए फैमिली, एक फैमिली का ये सारा मेंबर है, आर सिटिंग इन ए रो, एक रो में बैठे हुए हैं. सम आर फेसिंग साउथ एंड सम आर फेसिंग नॉर्थ. कोई साउथ फेस कर रहे हैं और कोई नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं. ठीक है, देर आर 3 generation इन द फैमिली According to the alphabetical order of their name, no two persons are sitting together. मतलब जो family में members हैं उनके नाम के अनुसार कोई भी alphabetical order में एक साथ नहीं बैठे होंगे. Suppose P Q के साथ नहीं बैठे होंगे, Q P और R के साथ नहीं बैठा हुआ होगा. ठीक है, तो ये उनका कहना है. देखिए, अब information यहाँ से start हो जाता है. V sits second to the right of P. आपका क्या दिया हुआ है? V sits second right of the P. P के second right में आपका V हो रहा है. ठीक है, P के second right में आपका V हो रहा है. तो P के second right में V है. दूसरा स्टेटमेंट दिया हुआ है, S spouse does not face south. अब आपको ये क्या मालूम चला कि S है और उसका कोई स्पाउस है, या तो हस्बैंड या तो वाइफ. ठीक है, दोनों में से कोई होगा एक. और ये जो पर्सन है ये क्या है, साउथ फेस नहीं किए हुए, मतलब क्या होगा, नॉर्थ फेस किए हुए. ठीक है ना, तो इसको एक छोटा सा क्लू आप डाल दीजिए, नॉर्थ फेस किए हुए. W sits थर्ड राइट ऑफ हिज वाइफ, मतलब W अपने वाइफ के थर्ड राइट में है. ठीक है ना, तो देखिए दो आपको क्या पता चला इससे कि ब्लड रिलेशन दो है. एक आपका ब्लड रिलेशन क्या है, एस और एस की, एस का कोई स्पाउस, डब्ल्यू और डब्ल्यू का वाइफ. ठीक है ना, दो आपको पता चला, डब्ल्यू और डब्ल्यू की वाइफ. देर इज ओनली वन मेल, यू नो, ओनली वन मेल हुज बोथ इमीडिएट नेबर आर द फीमेल. उसमें से कोई एक ऐसा ही मेल मेंबर है जिसका कि दोनों इमीडिएट नेबर फीमेल होने वाला है. ठीक है, नन ऑफ दीज कपल आर फ्रॉम थर्ड जनरेशन. टोटल 3 generation का फैमिली ट्री था और कोई भी कपल आपका थर्ड जनरेशन से नहीं है. मतलब क्या हुआ, जो भी कपल होगा आपका वो फर्स्ट और सेकेंड जनरेशन से होने वाला है. जो कपल होगा वो आपका क्या होगा, फर्स्ट या फिर सेकेंड जनरेशन से होगा. थर्ड जनरेशन में कपल हो नहीं सकता है. W has only one married son. ठीक है ना, W का बस एक कोई मैरिड सन है. अब आपको क्या मालूम चला इससे कि W कोई है और उसका कोई एक मैरिड सन है. और आपको ये भी पता चला W की कोई वाइफ है, तो W एक मेल मेंबर हो गया, एक फीमेल मेंबर उसकी कोई वाइफ हो गई. और W का अब कोई सन है जो कि मैरिड है. ठीक है ना, तो W का कोई सन है जो कि मैरिड है. और ओनली वन मैरिड सन, उसका जो एक सन है
वो मतलब उसका जो सन है बस एक वही सन जो कि मैरिड है, बाकी और के बारे में आप नहीं बोल सकते हो कि वो मैरी किया हुआ है या नहीं। अगर उसका बाकी भाई होगा या बहन होगी, यू नो यू कैन से दैट कि अगर सिस्टर या ब्रदर होगा तो उसकी, अगर उसका ब्रदर होता है, सिस्टर के बारे में तो नहीं बोल सकते हैं, ब्रदर अगर होता है तो उसकी शादी नहीं हुई होगी। ठीक है, नाउ देर इज ओनली वन, अच्छा ठीक है, थर्ड जनरेशन डब्ल्यू, द अनमैरिड मटर्नल अंट ऑफ एक्स सन सिट एट वन ऑफ द एक्सट्रीम इन द बिलो। अनमैरिड मटर्नल अंट ऑफ एक्स सन, अच्छा अब इसमें आपको क्या पता चल रहा है, एक्स है और एक्स का कोई अब सन है, और क्या है इसके सन का कोई एक मटर्नल अंट, मतलब क्या हो गया, एक्स की बहन हो गई, एक्स की बहन हो गई और वो अनमैरिड है, ठीक है ना, अनमैरिड है वो, और क्या दिया हुआ था, अनमैरिड अंट ऑफ द एक्स सन वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, और ये क्या है, कोई भी एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो पे है। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन आपको मिला, मतलब देखिए आपका एक कपल आपको एस और एस का स्पाउस मिल रहा है, एक कपल आपको डब्ल्यू और डब्ल्यू की वाइफ मिल रही है, और आपको ये पता चल रहा है डब्ल्यू है उसकी कोई, उसका कोई एक सन है जो कि एक कपल होगा, और एक कपल आपको एक्स मिल रहा है। ठीक है, मतलब देखिए तीन जनरेशन की बात थी और दो ही जनरेशन में कपल होना चाहिए, थर्ड जनरेशन में कपल होगा नहीं, तो इतना सा क्लू जो मिला हुआ था अब तक उससे हम लोगों ने ये निष्कर्ष निकाला है। द डाउटर ऑफ एस एंड द सन इन लॉ ऑफ क्यू आर फ्रॉम डिफरेंट जनरेशन। एस मतलब एस की जो डाउटर है और सन इन लॉ ऑफ क्यू जो है वो दोनों एक जनरेशन से नहीं होगा, मतलब डिफरेंट जनरेशन होगा। इससे क्या मालूम चला आपको कि एस है और एस का अब कोई डॉटर भी है, ठीक है ना, ये इन्फॉर्मेशन यहाँ से आपको मालूम चला, एस का कोई डॉटर भी है और क्यू है कोई, ठीक है ना, कोई क्यू है और क्यू का कोई सन इन लॉ है, मतलब इसकी बेटी होगी है ना, और उसका कोई हस्बैंड होगा, तभी तो ये सन इन लॉ होगा, क्यू का सन इन लॉ, सन इन लॉ, क्यू का कोई सन इन लॉ आर फ्रॉम डिफरेंट जनरेशन, मतलब ये और एस का जो डाउटर है ये दोनों एक डिफरेंट जनरेशन से होगा। ओके, बोथ क्यू एंड एस आर सीटिंग टुगेदर, दोनों एस और क्यू एक साथ बैठा हुआ है, एस एंड क्यू एडजेसेंट है, यही कहना चाह रहा है वो, बट वन ऑफ देम इज फेसिंग नॉर्थ। ठीक है, इसमें से कोई एक वन जो है वो नॉर्थ फेस कर रहा है तो दूसरा क्या होना चाहिए, साउथ फेस करेगा, अगर एक नॉर्थ फेस कर रहा है तो दूसरा ऑब्वियसली साउथ फेस करेगा, वन ऑफ देम फेसिंग नॉर्थ, ओनली थ्री पर्सन सिट बिटवीन यू एंड वी, ठीक है ना, तीन पर्सन बैठा हुआ आपका यू और वी के बीच में, एंड बोथ आर ऑफ सेम जेंडर, यू और वी के बीच में थ्री पर्सन बैठा हुआ है और दोनों का दोनों सेम जेंडर है, और क्या दिया हुआ है फिर, यू एंड वी फेस द सेम डायरेक्शन, मतलब यू और वी दोनों सेम डायरेक्शन भी है, ठीक है ना, सेम जेंडर तो है ही अब सेम डायरेक्शन भी है। ठीक है, तो ये आपका क्लू यहां से निकला, दोनों सेम डायरेक्शन भी है, ओनली वन कपल सिट टुगेदर बट दे फेस अपोजिट डायरेक्शन, एक बस कपल जो है वो क्या कर रहा है, एक साथ बैठा हुआ है और दोनों अपोजिट डायरेक्शन फेस कर रहा है। ठीक है, तो एक पॉइंट आपको अगर मिलता है कि वन कपल है जो, और ओनली वन कपल, ठीक है ना, ओनली आप लगाना ना भूलें, ओनली वन कपल जो एक साथ बैठा हुआ है वो एक दूसरे के अपोजिट फेस करता है, एक ही बस कपल है जो कि एक साथ बैठा हुआ और एक दूसरे के अपोजिट फेस कर रहा है। ठीक है, ये पॉइंट हो गया, एंड ऑल्सो नीदर ऑफ देम सीट एट एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, और दोनों में से कोई भी एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो पे बैठा हुआ नहीं है, ये आपका पॉइंट यहां से पता चला। U is not the immediate neighbor of P, who sit exactly in the middle of the row and faces north. अच्छा,
यू जो कि पी का इमीडिएट नेबर नहीं है, और पी क्या है एग्जैक्टली उस रो के 9% के रो के बीच में बैठा हुआ है, तो 9 टोटल रो है, तो क्या हो जाएगा पी मिडिल में, तो मतलब इस साइड 4 होगा, इस साइड 4 होगा, तभी तो 9th परसेंट वो मिडिल में आने वाला है। और क्या दिया हुआ है, और पी फेसेस मिडिल ऑफ द रो एंड फेसेस नॉर्थ, तो आपको ये इनिशिएट करने के लिए बहुत अच्छा एक पॉइंट मिला, और इस पॉइंट को हम लोग सब मिस नहीं करेंगे और इनिशिएट करेंगे आप, ठीक है। तो अगर आप इनिशिएट करते हो तो 9 मेंबर है, 4, 5, 6, 7, 8, 9 मेंबर का फैमिली है, और पी क्या होना चाहिए, इधर से 4 छोड़ करके पी यहाँ होना चाहिए, और इधर से भी 4 छूट रहा है, और पी फेसेस नॉर्थ, ये आपको पता चल गया। और पी का इमीडिएट नेबर क्या था, यू नहीं था, मतलब यू कहीं यहाँ में से तो कहीं भी यू नहीं होने वाला है, ठीक है, ये आपको पता चला इन्फॉर्मेशन। अब देखिए क्या है, क्यू फेसेस नॉर्थ, अच्छा एस और क्यू एडजेसेंट बैठा हुआ था, और एक आपका नॉर्थ फेस कर रहा है, तो क्यू इसमें आपका नॉर्थ फेस कर रहा है, तो एस क्या हो जाना है, साउथ फेस करेगा, क्योंकि दोनों में से एक ही नॉर्थ फेस कर रहा था ना, तो एक क्या होगा, साउथ फेस करेगा। आगे पढ़िए, वन ऑफ द इमीडिएट नेबर ऑफ पी इज ए फीमेल, पी का कोई एक इमीडिएट नेबर फीमेल होना चाहिए, दोनों के बारे में हम लोग नहीं बोल सकते हैं, लेकिन कोई एक फीमेल होगा, तो ये चाहे ये होने वाला है, ठीक है। एस हैज नो अंकल और अंट एंड ऑल्सो डज नॉट हैव मदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ, ठीक है। अब देखिए क्या दिया हुआ है, एस का ना कोई मदर इन लॉ है, ना कोई सिस्टर इन लॉ है, ना कोई अंट है, ना कोई अंकल है, तो क्या आपको लग रहा है इस पॉइंट को लिखना चाहिए, बिल्कुल लिखना चाहिए, क्योंकि ये आपको मालूम कैसे चलेगा। फिर सपोज आप लेते हो कि एस का कोई भी अंकल नहीं है, कोई भी अंट नहीं है, कोई मदर इन लॉ नहीं है, और ना कोई सिस्टर इन लॉ है, ये पॉइंट दिया हुआ था किसके लिए, एस के लिए। अब देखिए क्या है, एक्स इज नॉट द सन इन लॉ ऑफ क्यू, अच्छा क्यू का कोई सन इन लॉ था, और ये पोजीशन में क्या होगा, एक्स आपका नहीं हो रहा है, जो क्यू का कोई सन इन लॉ है वो एक्स नहीं होगा, ओके, एक्स इज नॉट द सन इन लॉ, एस हैज ए ब्रदर इन लॉ, अच्छा ये देखिए पॉइंट जो आपका दिया हुआ था कि एस का अंकल अंट मदर इन लॉ सिस्टर इन लॉ नहीं है, लेकिन एस का क्या है, कोई ब्रदर इन लॉ है, अगर एस का कोई ब्रदर इन लॉ है, तो अब हम सब अगर इस पॉइंट को लेके चलें तो कुछ हो सकता है क्या, फैमिली ट्री अगर हम लोग बनाएं, ये देखिए जनरेशन अगर बनाते हैं, एस एस का कोई स्पाउस भी था, ठीक है ना, सपोज एस का स्पाउस है, एस अभी हम लोगों को पता नहीं है मेल है या फीमेल है, और एस का कोई ब्रदर इन लॉ है, ब्रदर इन लॉ का क्या मतलब हुआ कि एस का कोई सिस्टर होगी और उसका कोई हस्बैंड होगा, ठीक है ना, उसका कोई हस्बैंड होगा तभी तो ब्रदर इन लॉ हो रहा है, या फिर आप ऐसे समझ सकते हो कि एस अगर किसी की वाइफ भी, तो उसका क्या होगा, उस एस अगर किसी की वाइफ होती है, हाँ एस अगर किसी की वाइफ भी, तो उसकी उसका कोई भाई हो सकता है, या फिर उसका कोई उसकी बहन का कोई हस्बैंड हो सकता है, ऐसा हो सकता है, तो ये सारा अभी बहुत कंफ्यूजन है इस पे, तो आपको अभी ये लेके नहीं चलना होगा। अब आप देखिए और आगे पढ़ के क्या बोला जा रहा है, टी इज ए फीमेल एंड फेसिंग द सेम डायरेक्शन एज ऑफ पी, टी एक फीमेल मेंबर है एंड सेम डायरेक्शन ऑफ पी, दोनों का सेम डायरेक्शन है, ठीक है, बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ पी आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन, इमीडिएट नेबर ऑफ पी तो ये है, और ये दोनों क्या होने वाला है,
सेम डायरेक्शन करने वाला है। सेम डायरेक्शन होने वाला है। यू इज नॉट द सन इन लॉ ऑफ डब्ल्यू, ठीक है ना। डब्ल्यू का सन इन लॉ यू नहीं है, मतलब आपका जो ये एक रिलेशन था कि डब्ल्यू और डब्ल्यू का कोई सॉरी वाइफ है और डब्ल्यू का क्या है कोई एक मैरिड सन था, बस एक ही कोई सन था जो कि मैरिड था, और अब डब्ल्यू का कोई सन इन लॉ है, मतलब क्या होगी डब्ल्यू की कोई बेटी होगी, तभी तो हो रहा है ये तो। अगर एक कपल आप इसका सन के लिए ले सकते हो तो डब्ल्यू की कोई एक बेटी होगी, मतलब कोई डॉटर होगी, और फिर उसका कोई हस्बैंड होगा, ठीक है ना, उसका कोई हस्बैंड होगा, ये डाउटर होगी, तभी तो ये सन इन लॉ, और ये क्या है यू नहीं होगा, ठीक है यू नहीं होगा। इतना तो आपको पता चल गया। बोथ द पर्सन सिटिंग एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो आर ऑफ सेम जेंडर, जो एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो पे है ये और ये दोनों सेम जेंडर होना चाहिए। एक आपको ये दिया हुआ था ना कि एक्स का जो सन है उसकी जो उसके सन का जो मटर्नल आंट है वो अनमैरिड और कोई एक्सट्रीम एंड पे है, मतलब एक्सट्रीम एंड पे क्या एक नेगेटिव है, अगर एक फीमेल मेंबर है तो दूसरा भी फीमेल मेंबर होगा, ये तो आपको पता चल गया। अब आगे पढ़िए देखिए क्या है। एस एंड एक्स आर नॉट ए मैरिड कपल, ठीक है। तीन मैरिड कपल आपको मिला था, W, S और X। S की वाइफ या फिर S का हस्बैंड, वाइफ या हस्बैंड X नहीं है, मतलब S और X मैरिड कपल नहीं है, तो अब क्या हो गया ये दोनों क्या हो जाएगा अलग अलग हो जाएगा। तो आपको टोटल पता चल रहा है कि एक S का कपल अलग होगा और X का कपल अलग होगा। अभी ये नहीं बता सकते हैं W किसी के साथ भी जा सकता है, ठीक है ना। इतना हो गया आपको। T is not the sister of S. T क्या है एक फीमेल मेंबर है और ये S की सिस्टर नहीं है। T is not the sister of S. S is the only brother of R and does not sit at either extreme end of the row. क्या आपको बोल रहा है S is the only brother, एक अकेला भाई है किसका R का, और कोई भी extreme end पे नहीं बैठा हुआ है। एस जो है बस एक अकेला भाई है और डज नॉट सिट एट इधर एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, मतलब एस कहीं ना कहीं क्या हो गया एक मेल मेंबर हो गया। इससे क्या पता चल रहा है एक अकेला भाई है, और अगर अकेला भाई है तो इसका कोई क्या होना है आर यहां पे फिर आ जाना है कोई आर, अभी पता नहीं जेंडर क्या हो सकता है, लेकिन आर का बस एक अकेला भाई एस है, ये तो आपको पता चल गया। अब आगे देखिए क्या है, और एस क्या था कोई भी एक्सट्रीम एंड पे नहीं था, ये एक अच्छा पॉइंट है कि एस कोई भी एक्सट्रीम एंड पे नहीं है। एस डाउटर सिट टू द राइट ऑफ वी हु फेसेस नॉर्थ, वी आपका क्या है फेस नॉर्थ कर रहा है, वी फेस आपका नॉर्थ कर रहा है और वी के राइट में क्या है आपका एस डाउटर है, एस डाउटर वी के राइट में। आर एंड टी फेस अपोजिट डायरेक्शन, और यहां पे खत्म हो जाएगा आपका सारा पजल और डाटा, हम सब तो सारा कुछ लिख ही लिए हैं। आर और टी दोनों अपोजिट फेस कर रहे हैं, तो अब हम सब अगर इसको रिमूव भी कर दें तो चलेगा। देखिए क्या है, आर और टी क्या था दोनों अपोजिट फेस कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन। पी से रिलेटेड डाटा क्या दिया हुआ है, पी के सेकेंड राइट में बी, और पी अगर नॉर्थ फेस कर रहा है तो सेकेंड राइट इसका यहां आना चाहिए, वी आपका यहां होगा, समझ रहे हैं बात को, वी अगर यहां है तो यू और पी से रिलेटेड जो डाटा दिया हुआ था कि टोटल मेंबर थ्री होगा, तो वन टू थ्री, ठीक है वन टू थ्री, और वी अगर आपका यहां है तो U को फिर कहाँ आना होगा, वन टू थ्री U को यहाँ आना होगा, और V क्या है आपका नॉर्थ फेस कर रहा है,
तो यू क्या होना चाहिए, दोनों सेम जेंडर और सेम डायरेक्शन भी है, तो यू क्या होना चाहिए, नॉर्थ फेस करना चाहिए। अब देखिए क्या है, क्यू और एस दोनों एडजेसेंट था और दोनों में से कोई एक नॉर्थ फेस कर रहा था, तो ये तो पता चल गया कि क्यू आपका नॉर्थ फेस कर रहा है, एस आपका साउथ, और दोनों एडजेसेंट है, तो क्यू एस यहाँ तो बैठ सकता है, लेकिन क्यू एस यहाँ नहीं आ सकता है, यहाँ पे नहीं आ सकता है, और क्यू एस यहाँ पे आ सकते हैं। ठीक है, ये बात हो गई। तो कहीं ना कहीं आपको तो ये मालूम चल गया कि क्यू और एस दोनों यहाँ पे ही कहीं आ सकता है, ठीक है ना, क्यू बाई एस, या फिर इसमें आपका आ सकता है क्यू बाई एस, ये दो डाटा आपको पता चल गया। अब देखिए ब्लड रिलेशन के डाटा से कैसे हम लोग इसको तोड़ना होगा, क्योंकि अगर ये नहीं बन रहा है तो फिर ये संभव ही नहीं है कि बन पाएगा। W की कोई वाइफ है, S, अब ये पता चल गया S एक मेल मेंबर है, S की कोई वाइफ होगी और क्या हो रही होगी, वो नॉर्थ देख रही है। X है और उसका कोई एक सन है और उसकी कोई एक अनमैरिड सिस्टर है, ठीक है ना, फीमेल मेंबर है जो कि एक्सट्रीम एंड पे है। ये बातें आपको देखिए यहां से पता चल गई। S, अच्छा W, और W का कोई सन इन लॉ है और Q का भी कोई सन इन लॉ है, ठीक है ना। अगर आप ये देखो और W का बस एक कोई सन है, बस एक अकेला ऐसा मैरिड सन है और उसकी कोई वाइफ होगी, अगर आप सन इन लॉ की बात करते हो तो उसमें एक रिलेशन ये दिया हुआ था कि जो S की जो डाउटर है और Q का जो सन इन लॉ है वो दोनों सेम जनरेशन में नहीं होना चाहिए, तो एस का कोई तो अब डाउटर होगा यहाँ पे, ये आपने पता चल गया, एस का कोई डाउटर है, एस का डाउटर ये, और क्यू का जो सन इन लॉ है, अगर आप इस जनरेशन में क्यू को लेते हो तो उसका सन इन लॉ तो यहाँ आना होगा, ठीक है, और ये आपको क्या बोल रहा है कि एस का जो डाउटर है और क्यू का जो सन इन लॉ वो सेम जनरेशन नहीं होगा, मतलब आप क्यू को यहाँ नहीं ले सकते हो, तो क्यू ऊपर वाले जनरेशन में होना चाहिए और थर्ड जनरेशन में तो कोई मैरिड कपल भी नहीं है, तो क्यू ऊपर वाले जनरेशन में अगर आना चाहिए तो क्यू को हम लोग ऊपर वाले जनरेशन में ले लिए, और क्यू की कोई अब एक बेटी है, ठीक है, और उसका कोई हस्बैंड होगा और क्यू का कोई सन इन लॉ है, मतलब उसका हस्बैंड, तो आप ये देखिए टोटल आपका यहाँ पे नंबर कितना हो रहा है, क्यू है और हाँ आपका इसमें 1 2 3 4 5 हो रहा है, 6 हो रहा है, 7 हो गया, तो बस दो और बच रहा है, और आपको मैरिड कपल तो ये पता चल गया है, एक मैरिड कपल आपको ये पता चल गया है और एक मैरिड कपल आपको डब्ल्यू और डब्ल्यू का वाइफ आपको पता चला है, मतलब ये देखिए एक्स आपका यहाँ होना नहीं है, तो एक्स यहाँ होना होगा या फिर यहाँ होना होगा, ठीक है, और एक्स का कोई एक सन है और एक्स की कोई एक सिस्टर भी है और डब्ल्यू का कोई एक सन है जो कि अकेला बस सन है, ठीक है, और उसका कोई सन इन लॉ है, तो W का भी सन इन लॉ इसी जनरेशन में आना चाहिए, तभी तो यहाँ नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं ये देखने से आपको क्या लग रहा है, Q का भी सन इन लॉ है, W का भी सन इन लॉ है और S का एक ब्रदर इन लॉ है, तो अगर तीनों को हम लोग पुट कर दें, मतलब तीनों को कंबाइंड करें, तो ये तो पता चलेगा कि ब्रदर इन लॉ और सन इन लॉ इसी जनरेशन में कहीं होगा, अगर इस जनरेशन में कहीं होगा तो ये तो पता चल रहा है कि क्यू और डब्ल्यू फिर ऊपर ही रहना होगा, क्यू और डब्ल्यू अगर आप ऊपर रखते हो और वाइफ हस्बैंड अगर बना देते हो, और क्यू और अगर एक मेल है और सॉरी डब्ल्यू अगर एक मेल है, क्यू और एक फीमेल मेंबर आप रख देते हो, उसकी वाइफ बनाते हो, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक बच रहा है, और एक कौन बच रहा है, एक्स का कोई एक सन होगा, ये एक मैरिड है, ठीक है, ये एक मैरिड है और एक्स की कोई एक सिस्टर भी अब है, और क्यू का सन इन लॉ एक्स नहीं है, मतलब यहाँ पे अगर आप मेल मेंबर डालते हो और अगर इसको फीमेल मेंबर डालते हो तो इस जगह पे एक्स होना नहीं है और एक्स इस जगह पे भी नहीं होना है, और एक्स का कोई अब सन है तो इस जगह पे भी एक्स को होना नहीं है, तो मतलब क्या हो गया, एक्स को आपको यहाँ डालना होगा, एक्स अगर आपका यहाँ आता है तो एक्स का कोई एक अब सन हो जाएगा, एक्स का कोई सन हो गया, और अब देखिए क्या आपके पास बचा, ये एक फीमेल मेंबर बची और एक्स के सन का कोई अनमैरिड मटर्नल अंट है जो कि अनमैरिड है और एक्सट्रीम एंड पे, मतलब एक्स के सन ये हो गया और एक्स का ये क्या हो गया, भाई हो गया,
और अगर ये आर है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ फैमिली तो 9 पूरा हो गया, तो कहीं और हम लोग कुछ जोड़ नहीं सकते हैं, तो आर उसका क्या हो जाएगा, एक अनमैरिड सिस्टर हो जाएगी जो कि इसके सन की मैटरनल अंट हो जाएगी। ये और ये क्या है, कोई एक्सट्रीम एंड पे है, ये तो आपको पता चल गया। क्यू का, अच्छा डब्ल्यू का एक सन था, बस एक अकेला सन जो कि मैरिड था, और इस जनरेशन में आपको क्या मिल रहा है, बस एक अकेला सन, तो आपका एस ही मिल रहा है ना, मतलब आपका एस क्या हो गया, उसका सन हो गया, और फिर ये क्या हो गई, उसकी मतलब डाउटर हो गई, तभी तो डब्ल्यू का सन इन लॉ होगा और क्यू का भी सन इन लॉ हो गया और एस का ये ब्रदर इन लॉ हो गया। इस तरह से हम लोग इसको कंबाइन कर सकते हैं। आपके पास डेटा कौन कौन सा बच गया, आप एक आपका डेटा पी, हम लोगों ने कहीं नहीं लिखा है, पी बच गया है, पी बचा हुआ है, ठीक है, यू बचा हुआ है, वी बचा हुआ है, मतलब पी टी यू वी, ये तीन बचा हुआ है, पी टी यू और वी। टी आपका क्या है, एक फीमेल मेंबर है, ठीक है, यू और वी दोनों क्या दिया हुआ था, सेम जेंडर होगा और सेम डायरेक्शन होगा, सेम जेंडर और सेम डायरेक्शन अगर है यू और वी, मतलब यू और वी दोनों में से कोई, दोनों में से अगर कोई एक, कोई अगर पॉजिटिव होता है मतलब मेल होता है, तो ये भी मेल होगा। आपको क्या क्या बचा हुआ, एक मेल यहाँ चाहिए, एक मेल यहाँ चाहिए और दो फीमेल आपको चाहिए टोटल। तो अगर आप इस दोनों में से कोई एक को अगर फीमेल बनाते हो तो ये भी फीमेल हो जाना है, तो फिर आप पुट कैसे करोगे, तीन फीमेल मिल रहा है हम लोगों को चाहिए दो ही फीमेल। अगर आप इसको पॉजिटिव बनाते हो मतलब मेल मेंबर बनाते हो और इसको भी अगर मेल मेंबर बनाते हो आप, तो ये देखो आप यू और वी अगर हम लोग इसमें से पुट कर देते हैं कोई एक, तो फिर टी और पी संभव है, क्योंकि टी तो फीमेल ऑलरेडी है, टी यहाँ दोनों में से कहीं होना है और पी भी, तो मतलब यही एक सेटिस्फाई कर रहा है इस सिचुएशन को। अब देखिए डब्ल्यू का क्या था, यू सन इन लॉ नहीं है, डब्ल्यू का सन इन लॉ यहाँ है और यू यहाँ नहीं होगा, तो मतलब क्या हो जाएगा, यू फिर यहाँ हो जाएगा, और यू अगर एक मेल मेंबर है तो वी भी मेल मेंबर होगा, और फिर वी कहाँ आ जाना है, यहाँ आ जाना है। अब बचा टी और पी का, ठीक है, अब एक पॉइंट और दिया हुआ है आपका, टी जो है सॉरी वी के राइट में एस का डाउटर है, वी अगर यहाँ है तो एस का डाउटर तो यहाँ पे होना चाहिए या फिर यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है ना, एस का डाउटर यहाँ होना चाहिए या फिर यहाँ होना चाहिए, ये दो ही जगह आपके पास बच रहा है। अगर एस का डाउटर यहाँ आना है तो एस का डाउटर क्या हो सकता है, या तो टी या तो पी, ये दोनों में से, तो टी और पी अगर आपका यहाँ पे आएगा कोई, तो आप ये देखो क्यू और एस हम लोग क्या देखे थे कि कोई ना कोई दोनों एडजेसेंट और दोनों को एक्सट्रीम एंड पे होने वाला है, तो मतलब क्यू और एस फिर यहाँ नहीं आना है तो यहाँ आना होगा, और क्यू एस अगर आपका यहाँ पे आता है तो एस आपका कोई एक्सट्रीम एंड पे नहीं था, एस आपका कोई एक्सट्रीम एंड पे नहीं था, तो एस आपका कहाँ, यहाँ नहीं होके यहाँ होना होगा, और क्यू को फिर यहाँ आना होगा, और क्यू आपका क्या है, फेस नॉर्थ कर रहा है, ठीक है, एस आपका कोई मेल मेंबर हो गया और क्यू फीमेल मेंबर, एस क्या साउथ फेस कर रहा है, ठीक है। अब देखिए डाटा एक और क्या दिया हुआ था, W के वाइफ के थर्ड राइट में W है, W का वाइफ कौन है, Q, तो Q अगर यहाँ है तो Q के थर्ड राइट कहाँ होगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड यहाँ पे होना है W। P का कोई एक इमीडिएट नेबर जो कि फीमेल होना है, तो W क्या आ रहा है आपका, W तो आपका मेल मेंबर है, मतलब ये अगर मेल हो गया तो फीमेल आपको यहाँ पे ही होना होगा, फीमेल आपका यहाँ होना होगा, ठीक है, मतलब अगर फीमेल यहाँ पे आता है, और एक दिया हुआ था कोई एक मेल मेंबर है जिसके दोनों साइड पे फीमेल होना है, और एक दिया हुआ था आपको क्या कि एक कपल है, दोनों बस एक सिंगल कपल होगा जो कि एक साथ बैठा हुआ होगा और दोनों क्या है अपोजिट डायरेक्शन पे फेस कर रहा होगा और एक्सट्रीम एंड पे नहीं है, तो कपल आपका क्या बन रहा है, क्यू डब्ल्यू कपल बन रहा है, तो क्यू डब्ल्यू कहाँ है, क्यू यहाँ है डब्ल्यू यहाँ है, तो दोनों एक साथ बैठा हुआ नहीं है, ठीक है, एक कपल छट गया। अगर कपल एस और इसकी बात करते हैं तो चाहे पी या फिर टी होना होगा, एस अगर यहाँ है तो ना सामने उसका ना बगल में उसका पी है ना ही टी है, मतलब ये भी आपका खत्म हो गया, तो बचा क्या, एक कपल वी और एक्स, तो
तो वी अगर यहाँ है तो एक्स को दोनों में से कहाँ, मतलब यहाँ पे कहीं आना होगा, ठीक है। एक्स आपका यहाँ आ सकता है या फिर यहाँ आ सकता है। एक्स का जो सन है उसका जो मटरनल अंट थी अनमैरी, वो कोई एक्सट्रीम एंड पे होगी, और उसकी कोई मटरनल अंट कौन बन रही है अब, आर बन रही है, तो आर कोई एक्सट्रीम एंड पे होगी। तो यहाँ पे आर अगर पॉसिबल नहीं है, मतलब आपका डन हो गया कि आर यहाँ पे होना होगा। आर अगर यहाँ पर आपका होता है तो जो एस की डाउटर है, एस की डाउटर वी के राइट में है, तो वी के राइट में तो ये आर है, और ये एस की डाउटर, आर एस की डाउटर है नहीं, मतलब आर तो एस की आपकी सिस्टर हो रही है। तो एक जो ये बचा यहाँ पर, तो टी होना था कोई एक यहाँ पे, तो टी आपका फिर यहाँ हो जाना है, और टी अगर यहाँ पे है तो ये एस की डाउटर, तो मतलब टी आपका कंफर्म हो गया, ये होगा। और आपका एक बस और बस पी बच रहा है, तो पी आपका कहाँ हो जाना होगा, यहाँ हो जाना होगा, ठीक है। ये समझ गया, पी अगर यहाँ पे हो जाना है तो आपके पास एक एक्स बच गया, एक्स दोनों में से कहीं यहाँ पे होना था, तो एक्स आपका यहाँ हो जाना होगा, तभी तो हो जाएगा। और अब देखिए, वन कपल जो एक साथ बैठ गया है वो दोनों अपोजिट फेस कर रहा होगा, अगर ये नॉर्थ फेस कर रहा है तो एक्स को आपको क्या साउथ फेस कराना होगा, ठीक है। एक्स क्या हो जाएगा, साउथ फेस। और ये, और सॉरी, पी का जो दोनों नेवर था वो दोनों सेम डायरेक्शन पे फेस कर रहा होगा, मतलब एक्स अगर आपका साउथ फेस कर रहा है तो डब्ल्यू भी क्या होगा, साउथ फेस होगा, डब्ल्यू भी आपका साउथ फेस हो रहा होगा। इसका डायरेक्शन पता चल गया, ये पता चल गया डायरेक्शन, ये पता चल गया, ये टी और आर, ठीक है। तो टी और आर, टी से एक रिलेटेड ये देखिए स्टेटमेंट है कि टी एक फीमेल मेंबर है और पी का जो डायरेक्शन होगा वही टी का डायरेक्शन है। तो पी का डायरेक्शन अगर आपका नॉर्थ है तो टी का डायरेक्शन भी क्या हो जाएगा, नॉर्थ, टी का डायरेक्शन भी नॉर्थ हो जाना है। आर और टी दोनों अपोजिट डायरेक्शन पे है, ठीक है ना, तो मतलब टी अगर नॉर्थ फेस कर रहा है तो आर को क्या करना होगा, साउथ फेस करना होगा, मतलब आर आपका साउथ फेस हो जाना है। और आपके पास कोई डाटा बच गया क्या, नहीं, सारा कुछ हो गया। एस एक मेल मेंबर हो गया, यू भी मेल मेंबर हो गया, डब्ल्यू भी मेल मेंबर हो गया, पी आपका फीमेल मेंबर हो गया, एस की वाइफ, और एक्स आपका क्या हो गया, एक फीमेल मेंबर हो गया, और वी आपका एक मेल मेंबर हो गया, टी आपका फीमेल मेंबर हो गया, आर आपका क्या हो गया, फीमेल मेंबर हो गया, एक आपका कोई दिया हुआ था, बस एक ही ऐसा मेल है जिसके दोनों साइड पे फीमेल मेंबर होगी। तो एक आपका कौन सा मेल हो रहा है जिसके दोनों साइड पे फीमेल मेंबर है, वी, वी के दोनों साइड पे फीमेल मेंबर हो रहा है, टी और एक्स। तो सारा का सारा कुछ इस तरह से सेटिस्फाई हो गया, और हमारे ये ब्लड रिलेशन का जो प्रॉब्लम था ये बन गया। तो सही में ऐसे प्रॉब्लम को बनाने में मज़ा तो काफ़ी आता है, लेकिन बनना चाहिए, और डेफिनेटली बनेगा मेरे फ्रेंड्स, आप पेशेंस रखिए और अच्छे से बनाइए तो डेफिनेटली बनने वाला ही है। हाँ, टाइम टेकिंग है, टाइम कंज्यूमिंग है, ब्लड रिलेशन का प्रॉब्लम थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हमेशा से रहता है, लेकिन अगर बन जाता है तो फिर आप 5 नंबर वहाँ से स्कोर कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आपका नहीं बनता है, जैसे IBPS PO में बहुत बार ऐसा होता है कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं बन रहा है, तो उस केस में आप ब्लड रिलेशन का प्रॉब्लम लेके चलेंगे, तो ये ब्लड रिलेशन के प्रॉब्लम में होता क्या है कि टाइम कंज्यूमिंग होता है, लेकिन ये बनना ही बनना है, क्योंकि आपका ये रिलेशन और ये रिलेशन दोनों साथ में लेके चलने से बन ही जाता है प्रॉब्लम हर हमेशा। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है अगर आपका कुछ नहीं बन रहा है तो इस तरह से ये ब्लड रिलेशन का प्रॉब्लम काफ़ी अच्छा था, और देखिए फाइनल आपका आंसर यही है और ये प्रॉब्लम बन गया। और आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से ये बना और क्या अप्रोच रहना चाहिए इसको बनाने के लिए। तो आई होप कि आप सब प्रैक्टिस कर रहे हैं अपने SPI के लिए काफ़ी अच्छे से, तो आप प्रैक्टिस करते रहें, और दैट्स दी ओनली की ऑफ योर सक्सेस। तो हम सब वापस मिलेंगे एक नए पजल के साथ और कुछ नए अप्रोच के साथ, कुछ नए तरीके के साथ, तो आप प्रैक्टिस करते रहें। और अगर आपको यहाँ से वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जितना अधिक से अधिक हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि एक शेयर तो बनता है। आप अगर एक शेयर करते हैं, आप अगर मान लीजिए 50 एस्पिरेंट्स देख भी रहे हैं, तो एक एक शेयर करके अगर चलते हैं तो टोटल और 50 को आप दिखा सकते हैं।
पीए हमेशा रखिए, बिकॉज ऑफ शेयरिंग इज केयरिंग, बहुत अच्छा एक वर्डिंग होता है। तो चलिए वापस मिलते हैं, आप प्रैक्टिस करते रहिए।